आज क्या हुआ, कीवी को हम लोगों ने एक रचित के बर्थडे के बचे हुए बलून्स थे तो उसमें से एक बलून्स इसको फुला के दे दिया। तो ये इस बलून्स के साथ इतना पागल हो गई, इतना खेल रही थी, मतलब एक घंटे तक ये खेलती रही। और फिर इसको तीन चार बलून्स फुला के दिए तो मतलब तीनों चारों कैसे ले लेके भाग रही थी। इसको इसका हर रोज़ एक नया वो रहता है खेल, और हम लोगों को देख देख के इतने मज़े आते हैं। ये क्या करती है क्या नहीं करती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको देखना। ये देखो ऐसे बलून्स ले लेके भागती है, और एक ये देखो यहाँ पे पता नहीं इसको क्या, मतलब इसकी मम्मा की याद आती है कि क्या याद आती है। ये है ना ऐसे नींदों में रहती रही तो उसे फीड करने का सा ऐसे वो करती है यार। इसको देख के इस समय बहुत ही वो दया सी आती है। एवरीवन कैसे आप सब लोग, होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि फ़ीवर है मेरे 2 दिन से, वायरल है कि वायरल का तो खैर अभी टाइम नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या फ़ीवर हो गया। और आज सुबह से तो इतनी भयंकर वाला मेरा हेडेक था, अब थोड़ी सी टेबलेट वगैरह ली हूँ तो तब जाके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स है मुझे। हेडेक तो मेरे इतनी ज़ोर से होता है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, कि मतलब टेबलेट ले लेती हूँ। और मतलब लास्ट सब बोलते हैं ना कि ये करो, योगा करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह जो करना है वो करो, लेकिन ये खाओ वो खाओ, दूध और वो जलेबी बताते हैं खाने का कि वो। मैं सब कुछ ट्राई करके देख ली, लेकिन जो मेरा सर दर्द का जो मेरा लास्ट जो ऑप्शन रहे ना, लास्ट जो सर दर्द मेरा ठीक होता है ना, मैं दवाई लूँगी और अपने सर पे वो बाम वगैरह लगा के यहाँ पे कपड़ा बांध के फिर रहूँगी ना, तब ही जाके मेरा सर दर्द रुकता है। ऐसे मेरा सर दर्द मतलब ठीक ही नहीं होता, और सर दर्द के कारण मेरे वोमिटिंग वगैरह वो सब भी शुरू हो जाती है। तो बस मैं सर दर्द का तो मेरा मेरे पास खुद के पास ही कोई इलाज नहीं। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ट्रीटमेंट एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया, मतलब एक्सरे वगैरह करवाए तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि माइग्रेन है। लेकिन अब वो क्या है कि जैसे दवाई वगैरह लेने करने में भी डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे वगैरह करेगा वो सब करेगा, और वो पहले करवा भी चुकी हूँ तो उसमें कुछ ही नहीं आया, तो वापस से जाने में मेरे को बहुत वो लगता है कि अब कौन जाए। और बस यही है कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है तो चलो सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि क्या जैसे गैप हो जाता है ना, जैसे वीडियो जैसे मतलब कल वीडियो कुछ भी शूट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में एक कीवी का शॉर्ट शूट किया था और उसके बाद में फिर वो बनाया नहीं मैंने कुछ भी। और अभी अगर नहीं बनाती ना तो पता है जैसे वीडियो बनाते रहते हो फिर बीच में गैप हो जाता ना, तो फिर वो पता नहीं क्या एक कंटिन्यूटी जो जितने भी ब्लॉगर होते हैं ना उनकी सबकी हैबिट में आ जाता है ये सब वो करना, वीडियो वगैरह बनाना, करना, बोलना, ये सब उनकी हैबिट में आ जाता है। और अगर एक बार ये जो होता है ना ये कंटिन्यूटी तो उनमें ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो फिर वो वापस से होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 2-3 दिन का तो गैप फिर मान के आप चलो कि गैप हो जाता है। तो कल से तो मैं घर का कुछ भी काम नहीं किया, मैंने सारे बस बच्चे और ये सब लोग मिलके काम संभाल रहे हैं। और बस अभी ये है कि जाऊंगी मेडिकल शॉप पे और फिर वहाँ से कुछ, क्योंकि क्या फीवर रहता है ना तो अंदर रह रहे कि अभी ऐसे थोड़ी हालत ऐसे हो जाती है, मतलब अपन ढीले ढीले हो जाते हैं। और मैं तो क्या, मैं तो मतलब मैं एक जगह से टिक के बेड पे मैं नहीं बैठ के रह सकती, तो बस यही है कि अब जाऊंगी मेडिकल के एक बार देखती हूँ क्या है, तो वहाँ से कुछ दवाई वगैरह लेके आऊँगी। फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे कि मैं रात को अपने पास मतलब 24 घंटे ही मेरे पास एक हेडेक की गोली तो मेरे पास रहती रहती है, क्योंकि जैसे मैं सफ़र भी करती हूँ ना तो भी मैं हेडेक की गोली तो अपने साथ लेके चलती हूँ। तो लास्ट गोली थी तो कल ख़त्म हो गई, और आजकल तो वैसे क्या मैं आधी टेबलेट लेना स्टार्ट कर दी, पहले मैं फुल खा लेती थी, एक खा लेती थी, दो खा लेती थी, लेकिन आजकल तो मैं आधी गोली खाती हूँ और आधी गोली और आधा सर दर्द भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ, मतलब बाम वगैरह लगा के थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लेती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आधी गोली जैसे फिर खा लेती हूँ, लेकिन एक साथ पहले मेरी क्या आदत थी पूरी फुल गोली एक साथ खा लेती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि एक गोली अपन ज़्यादा खाएंगे करेंगे तो हम लोगों के उसमें किडनी वगैरह में इफ़ेक्ट करती है, तो फिर ये थोड़ा सा कर लिया। तो अभी जाऊँगी मार्केट, और क्योंकि मार्केट जाने का तो वो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा घूम लूँगी फिर लूँगी, क्या थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो बेड पे पड़े पड़े तो वैसे ही इंसान बोर हो जाता है। ये है रात का खाने का टाइम, राजमा बॉईल करके रख रखे थे लेकिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैं बना नहीं पाई, तो मैं बच्चों ने मैगी बना के खाई और मैंने अपने लिए क्या किए थोड़े से मखाने फ्राई कर लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का ही खाती हूँ, तो मखाने फ्राई किया, हमारे कुछ भी बनता तो किसी पर्सनली एक के लिए नहीं बनता, वो सबके लिए हो जाता है, तो मैंने सबके लिए मैंने सोचा पूरा सब लोग खा लेंगे थोड़े थोड़े मखाने। वैसे भी सर्दियों में तो क्या है थोड़ा रूटीनली ड्राई फ्रूट चलते रहना चाहिए, और मॉर्निंग टाइम में फिर ये मैंने बनाया है कि राजमे की सब्ज़ी, क्योंकि रात के भिगोए हुए थे तो राजमा बनाना बहुत ज़रूरी था, भिगोए थे और बॉयल भी किया हुआ था। ये देखो मैंने बड़े बड़े प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन मोटे मोटे काट के
प्याज सब कुछ इसमें वो कर दिया, क्योंकि इनको मिक्सर में करना ही था। तो कढ़ाई साफ़ करके फिर से इसको तो ग्राइंड कर लिया, और कढ़ाई साफ़ करके इसमें राई जीरा हींग वगैरह डाला, तेज़पत्ता डाला, और ये रहा हमारा मिक्सर में जो किया हुआ पेस्ट। राजमे की सब्ज़ी आज सच में बहुत टेस्टी बनी थी, तो ये पेस्ट डाल दिया और इसको फिर थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम मीडियम करके इसको ग्रेवी को अच्छे से फ्राई किया, जब तक तेल नहीं छोड़ा। जैसे ही ग्रेवी ने तेल छोड़ा तो हम लोगों ने डाल दिए यहाँ पे मसाले, लाल मिर्च, धनिया, नमक, जो अपने रूटीनली मसाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूध की ताज़ी मलाई रखी हुई थी तो वो मैंने डाल दी, कम से कम 2 से 2.5 चम्मच मलाई होगी। तो इससे क्या होता है कि सब्ज़ी में एक वॉल्यूम आ जाता है, मतलब सुंदर लगती है सब्ज़ी, अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है। तो बस वो मैंने डाल दी और मतलब सब्ज़ी वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी। तो इसको वापस से मिक्स किया, तब तक मलाई ने अपना घी और ऑयल वगैरह थोड़ा अलग नहीं हो गया मसाले से तब तक। और फिर उसके बाद में मैं ये रात के बॉईल किए हुए नमक के पानी में राजमा वो डाल दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया मैगी मसाला। और मैगी मसाला डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी एडजस्ट करके इसको लिड को ढक दी, और बस 2 से 3 मिनट बाद में लिड हटाई तो हमारी सब्ज़ी ऑलरेडी पक चुकी थी और कलर भी बहुत सुंदर आया था। ये सिर्फ कलर बहुत सुंदर आता है, मलाई वगैरह डाल देते ना तो कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया, तो धनिया से तो 4 चांद धनिया की एक अलग ही एक अपनी पर्सनालिटी होती है, तो धनिया से 4 चांद स्वाद में भी लग जाते हैं और दिखने में भी लग जाते हैं। तो आज शाम को क्या मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो क्या स्टमक पेन था मुझे। तो फिर रचित बोला कि मम्मा आज मैं आपके लिए पपीता काट देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कभी वो अच्छा बच्चा बन जाता है, तो इसलिए वो वैसे है अच्छा बच्चा, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ये मेरी बहुत ज़्यादा ही केयर करता है, तो ये पपीता काट रहा है मेरे लिए। और मुँह का टेस्ट भी अच्छा नहीं था, तो मैंने इसमें डाल लिया काला नमक, क्योंकि काले नमक के साथ पपीते का कॉम्बिनेशन क्या थोड़ा सही रहता है, डाइजेशन वगैरह भी अच्छा हो जाता है। तो मैं तो खा ही रही हूँ, आप लोग भी खा लो, मेरे को प्रॉब्लम थी इसलिए। वरना मैं क्या फ्रूट्स वगैरह शाम को नहीं खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह मैं दिन में ही खा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे खाना पड़ा क्योंकि तकलीफ कुछ ज़्यादा ही हो रखी थी, डॉक्टर के जाऊँगी बाद में। तो बस आज तो बैठे बैठे सब लोग मिलजुल के काम कर लिए थे, खाना वाना सब बच्चों ने बना लिए थे, और यहाँ पे ये भी चाय भी इन्होंने बना ली। तो बस यही है, डॉक्टर के जाऊँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।